मैं ऑनरेबल सीएम साहब के स्टेटमेंट का वेलकम करता हूं। हिंदुस्तान में अगर कोई वाहिद लीडर है, सेकुलर लीडर है, तो वो केसीआर साहब है। उन्होंने 14 साल की जद्दोजहद में हमेशा सेकुलरिज्म का नारा बुलंद किया और सारे कौमों को एक साथ देखने वाले कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब है। सेक्रेटेट के अंदर, चूँकि सेक्रेटेट की तामीरें जदीद हो रही है, वहाँ पर जो है डिमालिश का काम चल रहा है, उसमें मस्जिद को थोड़ा सा डैमेज हुआ है। सीएम साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है कि मैं वो मस्जिद को फिर से अच्छी तरीके से बनाऊंगा और साबिका में जो मस्जिद है उससे भी कुशादा मस्जिद बनाऊंगा। उन्होंने ओपनली कहा, मस्जिद और मंदिर अल्लाह का घर है, भगवान का घर है, हम हमेशा उसकी हिफाजत करेंगे। और हमारा कल्चर और हमारी तहजीब है, ख़ासतौर से तेलंगाना स्टेट की तहजीब है, तेलंगाना स्टेट का सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में माना जाता है। और हमारे सीएम साहब हिंदुस्तान में नंबर वन सीएम है जिन्होंने सारे मज़हब के लोगों का एहतराम किया है। और लोगों में दो चार दिन से बेचैनी थी, आज सीएम साहब का बयान आया कि बाजू की जो बिल्डिंग डिमालिश करने में मस्जिद को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा, उसका अफसोस का इजहार किया है। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छी शानदार मस्जिद और बहुत अच्छी शानदार मंदिर बनाऊंगा। ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, हमारे लिए बड़ी एहतराम की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ऐसे लीडर नसीब फरमाए जो हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म चाहते हैं, हमारे स्टेट में चाहते हैं। सीएम साहब आज नहीं, ज़माने दराज से ही मुस्लिम कौम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुस्लिम कौम के आदाब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो सारा जब 14 साल तेलंगाना जद्दोजहद में हमेशा अपने, उन्होंने कई बार कहा है कि लोग मेरे जब घर आते हैं तो मेरी जानीबाज भी मेरी माँ बिछा कर देती थी और हमारे पास बाज़ाब्ता तरीके से एक रूम होता था इबादत करने का, उन्होंने कई बार कहा। और आज उसकी मिसाल पेश कर दी है। सीएम साहब ने कहा कि सेक्रेटेट की मस्जिद हमेशा आबाद रहेगी, ता क़यामत तक आबाद रहेगी, और बहुत अच्छी बनाने की बात कही है। हम उसका बहुत दिल की खैर मकदम करते हैं और सारे मुसलमानों से अपील करते हैं कि हमारे सीएम साहब जिस तरह चाहते हैं वो हमेशा सभी का अच्छा चाहते हैं। और मैं समझता हूँ मुसलमानों के बारे में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद जिस तरह उनकी तरक्की के बारे में सोचा, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद कोई नहीं सोचा, उनकी इबादतों के बारे में सोचा, हमेशा उन लोगों की रहबरी करते रहे मुसलमानों की, और उन्हें एक तालीम याफ्ता और एक अच्छे तरीके से शहरियत, मतलब एक अच्छे इंसान बनने के लिए सीएम साहब ने जिस तरह मदरसे खोले हैं, जिस तरह यहाँ पर सेकुलरिज्म लाया है, हम उसका वेलकम करते हैं। बहुत दिल की गहराइयों से हमारे सीएम साहब का स्टेटमेंट का हम खैर मकदम करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमारे सीएम को कायम रखे और इसी तरह हमारी गंगा जमुना तहजीब हमेशा मुस्तकिल रहे।